भाइयों, मेरे अंदर का जुआरी मर चुका है क्योंकि हम कुछ नहीं जीते हैं और मेरा बहुत नुकसान हो गया है। हेलो, सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड यूजुअली मैं बहुत सीरियस वीडियोस बनाता हूँ, बट आज आई डिसाइडेड टू शो यू समथिंग रियली कूल। तो टोक्यो से एक घंटा दूर हम आ गए हैं कासुकाबे सिटी में, जो कि कहते हैं शिनचैन की सिटी। दिस इज़ बेसिकली वेयर शिनचैन वॉज फ्रॉम। ये शिनचैन की सिटी है, पूरी सिटी में सिर्फ और सिर्फ शिनचैन है। एंड आज हम आई ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड आई एम नॉट अलोन, आई एम विद शिवुई मिका। सो शी इज ऑल्सो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एवरीथिंग। सो या यहाँ का सबसे बड़ा म्यूजियम है आई थिंक शिनचैन का। लेट्स गो इनसाइड। गुलाब पकड़ता हुआ शिनचैन थोड़ा दिखा दो। ए पेडोफाइल, एकदम पेडोफाइल। प्रो टिप, अगर आप जापान आओ तो कभी भी इनमें मत खेलना। ये जो क्लॉ मशीन्स होती हैं इनको मत खेलना, ये स्कैम होता है, नहीं जीतोगे, बिल्कुल भी नहीं जीतोगे। बट आज हम ट्राई करके देखते हैं फॉर द ब्लॉग। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे अंदर का जुआरी जाग चुका है और इसको मैं दोबारा खेलूंगा। इसको बाद में निकाल के जाऊंगा। आधे सिक्के बचे हैं और एक कमीना नहीं निकल रहा है। भाई इतना सा बचा है, बस आ जा। One eternity later. आखिरी सिक्का बचा है, अब तो आ जा। देखी मैं उसका, वो लड़की मेरी बेइज्जती करके चलेगी कि साले तुझसे ये भी नहीं निकल रहा। थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ, अरे बुद्धू। भाइयों, मेरे अंदर का जुआरी मर चुका है क्योंकि हम कुछ नहीं जीते हैं और मेरा बहुत नुकसान हो गया है। पूरे 1500 यन चले गए। नामिका, हम शकल डू द सेम पोज। गाइस, लेट्स प्ले अ क्विक गेम और देखते हैं कि आप में से कितनों को शिनचैन के कैरेक्टर्स एक्चुअली याद है। ओके, यू नीड टू गेस द नेम। देखते हैं कितने बचपन की, कितनी मेमोरी, कितने बादाम खाए हैं तुमने। व्हाट्स हिज नेम? हैरी नोहारा। मेरे को तो पता नहीं है वैसे। एंड इनका आंटी का मित्सी नोहारा। एंड ये तो शिनचैन सबको पता है। इसका क्या नाम है आइटम का? एलियन क्या? एक्शन काम है। वाह, तुम तो यार बहुत बड़े फैन हो। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम हार गए। दीदी हमारी मॉडलिंग कर रही है शिनचैन के सामने। कोई कोचे टाउन कोरिया पॉप की कोई आर्टिस्ट ले रही है। Another thing that's like really cool about Japan is people fishing. It's a blue, they're randomly,
हम भी रिवर्स में आ जाते हैं फिशिंग रॉड्स लेके और पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात फिशिंग करते रहते हैं। अब में से जो लोग अनामिका को नहीं जानते तो हर यूट्यूब नेम है शिबुई मिका और ये भी मेरी तरह मिक्स कॉलर बट शी इज़ फ्रॉम क्योटो एंड आई एम फ्रॉम टोक्यो एंड शी इज़ ऑल्सो मेटी इंटर्न शी इज़ डूइंग मेटी इंटर्नशिप राइट नाउ। तो मैंने भी मेटी इंटर्नशिप करी थी बट वो दो साल पहले करी थी आई थिंक ये अभी कर रही है इसलिए शी इज़ इन टोक्यो दिस डेज। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट मेटी और मैक्स जस्ट गो टू हर चैनल शिबुई मिका। देखो माजदा का शोरूम आई वंडर ये इंडिया में क्यों नहीं होता इसकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अनामिका व्हाट्स योर ड्रीम कार? जी वैगन। कौन से कलर की? पिंक कलर की जी वैगन। वाह बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं तो जापान में ना फ्लड्स का बहुत रिस्क रहता है तो जापानीज गवर्नमेंट ने ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े शाफ्ट बना रखे हैं काफ़ी कूल होते हैं वो ना ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े पिलर्स होते हैं अंडरग्राउंड उनको कह सकते हैं मतलब न्यूक्लियर बंकर या ऐसा कुछ उसके लिए बनाते हैं तो हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं बट हम मुझे लग रहा है कि हम हो गए शाफ्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये ना नेचुरल डिजास्टर्स के प्रोटेक्शन से बना के लिए बनाया गया अंडरग्राउंड इसके होना चाहिए तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स गो। यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट जापान भाई लोग सब हटा दो मतलब जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन पैसा लड़कियां सब हटा के सबसे अच्छा है सनसेट। जापान से अच्छा सनसेट तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा कहीं भी चले जाओ पटना शी सेइंग पटना जापान से अच्छा सनसेट पटना। एक मिनट रुकना जापान से अच्छा सनसेट पटना में भी बहुत सुंदर सनसेट होता। छोड़ो मैं क्या बोलूँ बट कोई एनीवेज फोकस अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। एनीवेज पूरा आधा घंटा चलने के बाद हमें असफलता हासिल हुई क्योंकि जिस प्लांट में हम घुसना चाह रहे थे वो बंद हो चुका है और हम उसको नहीं देख सकते बट मेरे को अभी नामिका ने बताया कि ये शिनचैन के दादा दादी का घर है ये वाला तो हम बाहर जा रहे अंदर तो मैं नहीं जाने वाला बट लाइक यू नो लाइक जो फार्मिंग होती है छोटे छोटे फार्म्स यहाँ पे ऑल दो वहाँ पे बहुत कंट्री साइड था बट जैसे जैसे अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ना वैसे वैसे काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको काफ़ी एकदम टोक्यो वाला माहौल ही है यहाँ पे भी तो इट्स लाइक कि ऑल दो ये कंट्री साइड है बट कंट्री साइड और सिटी ना मतलब जापान के हर कंट्री साइड में आपको सिटी भी मिल जाती है सेम एग्जैक्ट सेम मुंह जिंदगी सवार ये डोरेमोन का गाना है मुझे लगा शिनचैन का गाना है जिंदगी सवार दो एक नई बहार दो शिनचैन का नहीं है। अच्छा ओके सीमा सेन वन लास्ट थिंग मेरे घर जाते जाते जो हुए एम्बेसी ऑफ इंडिया हमारे रास्ते में पड़ती है बट मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ बट यहाँ पे फ्लैग इन लोगों ने उतार रखा है तो मेरी एम्बेसी से अनुरोध है कि वो फ्लैग उतार दे मैं फ्लैग लगा दे ऊपर दस है ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही था मैं वापस टोक्यो में आ गया हूँ एंड अपने घर के पास में हूँ वो इफ़ यू कैन सी दैट्स द इम्पीरियल पैलेस मेरे घर के पास में है तो फ्यूचर में मैं और ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊंगा दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग तो ज़्यादा अच्छा लगे ना लगे बट द नेक्स्ट वन वुड बी डेफिनेटली बेटर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना
एंड या कमेंट करके बताओ कि आपको कासे कावे में सबसे अच्छा क्या लगा, और कुछ आपको पूछना है तो मुझे बताओ। बाय।